आए तो अगर उनको जानकारी वो सर्वे करवाना चाह रही है, अगर उनको जानकारी है कि इस मदरसा में गलत लोग रहते हैं, आतंकवादी रहता है, तो उस मदरसा को अपना जांच करावे, देखें सही, अगर गलत है तो उसको फांसी की सजा दें पकड़ के, और गलत होता है तो ये कौन मतलब हुआ कि मदरसों को का हिंदू और मुसलमान एक है, अगर खून उनका खून चिरा जाए पहले एक मुसलमान को खून आखिर वो ऐसा बयान ना, ना, एक 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 बयान क्यों दिया वो बयान दिया, उनको इलाज कराने की जरूरत है, उनको इलाज कराने की जरूरत है, जब हम जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, तो खून चिरा जाए, अगर उसमें लिखा होगा कि मुसलमान है आई लिखा होगा कि गिरिराज सिंह ही हैं, तो हम समझ जाएंगे, उसी दिन हम लोग छोड़ देंगे दुनिया छोड़ देंगे, अगर लिखा होगा कि मुसलमान है, लिखा होगा कि हिंदू है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बयान देके पूरी तरह से बिहार में बवाल मचा दिया है। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी मदरसों की जांच होनी चाहिए और मदरसों की असलियत सामने आनी चाहिए। इस पूरे बयान के बाद लगातार पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दानिश रिजवान, जो हम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो भी आरएसएस के कार्यालय हैं उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जाने के बाद बीजेपी परेशान और बेचैन हो चुकी है और कभी भी बिहार में बम ब्लास्ट करवा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ लालू जी के साले प्रभुनाथ यादव जी हैं, राजद के वरीय नेता भी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार देश में अब हिंदू मुसलमान मदरसा तमाम यही मुद्दा ही उठता है, आखिर क्या कुछ वो सोचते हैं। प्रभुनाथ जी, गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, यूपी में जिस प्रकार से मदरसों की जांच हो रही है, रोहिंग्या पीएफआई के मेंबर तमाम लोग शरण लेते, इस तरह की बातें सामने आते रहती है, मदरसों की जांच की जाए और यूपी के तर्ज में बिहार में भी मदरसों की सर्वे कराया जाए और असलियत को बाहर लाया जाए, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? पूरे मतलब हमारे कहने का मतलब है, माननीय गिरिराज सिंह मंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर पहले उनको अपने गिरिबान में ढकना चाहिए कि आरएसएस वाले लोग जितने हैं, आरएसएस वाले यही कहीं बम ब्लास्ट करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, सब आरएसएस वाले लोग करते रहते हैं। आई कहते हैं कि मदरसों को जांच किया जाए, तो पहले आरएसएस के जो कार्यालय हैं उसको जाँच होना चाहिए, तो अब मदरसा के कार्यालय का मस्जिद का जो मंदिर का भी जाँच होना चाहिए, जहाँ मंदिर मस्जिद दोनों है, एक एक भाई है, तो दोनों को जांच होना चाहिए। मंदिर पे आप क्यों सवाल उठा दिए? नहीं, मंदिर पे इसलिए सवाल उठा दिए, जैसे वो बोल रहे हैं कि मस्जिद को जांच किया जाए, तो मंदिर को भी जांच किया जाए, जहाँ जाए मंदिर में है। उनका कहना है, प्रभुनाथ जी सुन लीजिए पहले आप, उनका कहना है कि मदरसों में जो तालीम है, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो रोहिंग्या छिपे हुए हैं, कई तरह के असम में भी मामले हुए हैं, यूपी में भी जो लगातार सर्वे चल रहा है, उनका कहना है कि मदरसों के आड़ में जो खेला जाता है या कुछ ऐसा कुछ बात है वो सामने आए, तो अगर उनको जानकारी अगर उनको जानकारी है कि इस मदरसा में गलत लोग रहते हैं, आतंकवादी रहता है, तो उस मदरसा को अपना जांच करावे, देखें सही, अगर गलत है तो उसको फांसी की सजा दें पकड़ के, और गलत होता है तो ये कौन मतलब हुआ कि मदरसों को का हिंदू और मुसलमान एक है, अगर खून उनका खून चिरा जाए पहले एक मुसलमान को खून आखिर वो ऐसा बयान ना, ना, दिया? एक, 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 ऐसा बयान क्यों दिया वो? वो बयान दिया, उनको इलाज कराने की जरूरत है, उनको इलाज कराने जाना, जब हम जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, तो खून चिरा जाए, अगर उसमें लिखा होगा कि मुसलमान है आई लिखा होगा कि गिरिराज सिंह ही हैं, तो हम समझ जाएंगे, उसी दिन हम लोग छोड़ देंगे दुनिया छोड़ देंगे, अगर लिखा होगा कि मुसलमान है, लिखा होगा कि हिंदू है, वो जो बोलते हैं मदरसे के बारे में, मदरसे में तो सारे हिंदू के लड़के पढ़ते हैं, चाहे मुसलमान को भी लड़के पढ़ते हैं, कहाँ नहीं सिख ईसाई सब हिंदू है, टोटल लोग हिंदू है, लेकिन कहने के लिए मुसलमान बनाया गया है, कहने के लिए जो हिंदुस्तान में है सब हिंदू है, कोई भी मुसलमान नहीं है, सब मुसलमान हिंदू है। आपके पास कोई आधार है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में कुछ ऐसा है? आरएसएस का भी जांच करावे ना, अपना कार्यालय की जांच करावे, उसमें आतंकवादी मिलेगा,
आतंकवादी तो उसमें भी मिलेगा। आरएसएस की बस आधार है कुछ नहीं, आधार का बहुत साबुत लोग कुछ सबूत, साबुत तो बहुत तरह का साबुत है कि आरएसएस वाला क्या करता है नहीं करता है, इसलिए जाके पूछिएगा आरएसएस पार्टी के जो जितना आरएसएस वाले से पूछिएगा कि तुम्हारे इसी में आतंकवादी है कि नहीं है। तुम्हारे कार्यालय में आरएसएस में आतंकवादी है कि नहीं है? राष्ट्र एक बात समझ लीजिए, दानिश रिजवान जो हम पार्टी से जितना मांझी के उनके नेता ने कहा है कि सरकार जाने के बाद बीजेपी परेशान है, बेचैन है, वो बिहार में कभी भी बम ब्लास्ट करा सकती है, ऐसा लगता है? सरकार जाने से तो लोग पकड़ा गए हैं कि हमारे नीतीश जी थे तो 17 को जीते थे एमपी में, अब ये 0 पर आउट हो जाएंगे। अब की बात नीतीश जी चले आए ना, नीतीश जी के बल पर जीते थे, गिरिराज सिंह भी नीतीश जी के बल पर ही जीते थे। दानिश रिजवान के बात से आप ताल्लुक रखते हैं कि दानिश रिजवान ने जो कहा है कि आरएसएस वाले बम ब्लास्ट करवा सकते हैं बिहार में कुछ करवा सकते हैं? दानिश रिजवान जी जो बोले हैं तो सही बोले हैं, कोई गलत बोले हैं कि आरएसएस का जहाँ जहाँ शाखा है तहाँ तहाँ यही करता है, यूपी हो चाहे करवा सकते हैं। ये सामने हुआ था गांधी मैदान में, आरएसएस वाले लोग यही करवाए थे। तो हुंकार रैली नरेंद्र मोदी करवाए थे, जान बुझ के लोग करवाए थे कि जनता में भरम फैला दिया जाए बम पटक के कि फलना आतंकवादी सब किया है। लेकिन ये काम आरएसएस वाले का था? सब आरएसएस वाला करता है, जितना जो भी देश में आज कुल हो रहा बटे सब आरएसएस करा रहा है कि हम हिंदुओं का वोट लेकर अपना राज करें। उन लोग का कोई लड़ाना चाहते हैं, उन लोग का कोई बेरोजगारी से, महंगाई से, पेट्रोल से, डीजल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इतने हैं कि हर एक स्टेट में हमारा सरकार बने, हमारा सरकार रहे। नीतीश जी से क्या कहिएगा? नीतीश जी तो खुद उनको कहना चाहिए इस बात पर कि जब आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मदरसा को जांच किया जाए तो आप आरएसएस वाले पर जांच करवाइए ना, आपके प्रधानमंत्री जी से कहिए ना कि आरएसएस जांच हो। देखिए प्रभुनाथ यादव जी थे, जिस प्रकार से बिहार में लगातार जो सियासत गर्म है और जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि मदरसों की जांच करनी चाहिए और उसके बाद दानिश रिजवान लगातार हमलावर हैं, प्रभुनाथ सिंह यादव ने सीधे तौर पे यह ऐलान किया है कि आरएसएस के तमाम कार्यालयों की जाँच की जाए और ये तमाम जो दंगे अगर देश में बिहार में होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ होता है, और इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया और सीधे तौर पर मदरसों के लेके और आरएसएस के जांच को लेके बिहार में जो सियासी बवंडर है वो लगातार मचा हुआ है। रोहित यादव, NBC 24, पटना।